दोस्तों, हमारी धरती में जीवन की उत्पत्ति कहते हैं समुद्र से ही हुई है, लेकिन हाल की स्टडी इस बात को और पुख्ता कर देती है कि आखिर जो हमारे कोस्टल हैबिटेट्स होते हैं वह हमसे अधिक यानी पेड़ पौधे से अधिक ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं बजाय कि उनके इमिट करने के। हाल ही में नेचर जनरल में प्रकाशित एक पत्रिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि तटीय आवास उत्सर्जन से अधिक ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने करीब 10 वैश्विक क्षेत्रों के डेटा का विश्लेषण किया है और उसके बाद इस तरह के निष्कर्ष समूची दुनिया के सामने प्रकाशित किए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस दुनिया में सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए दोषी माना जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा, और इसी को लेकर समूची दुनिया के वैज्ञानिक अलग अलग तरह के रिसर्चों में हमेशा ही लगे रहते हैं कि कैसे हमारी धरती को कार्बन उत्सर्जन या क्लाइमेट चेंज जैसी भयावह क्लाइमेटिक फेनोमेना से बचाया जा सके। और इसी को लेकर नेचर जर्नल में एक हालिया प्रकाशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो कोस्टल हैबिटेट्स होते हैं यानी कोस्टल जो भी इन्वायरमेंट होता है वह ग्रीन हाउस गैसों को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं बजाय उनके उत्सर्जन के। करीब 10 शोधकर्ताओं की टीम ने वैश्विक स्तर पर डिफरेंट जगह का डेटा कलेक्ट किया है और उन्होंने पाया है कि तटीय आर्द्रभूमि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र वायुमंडल में CO2 सबसे ज़्यादा लेते हैं, वहीं इन्हें नई पत्तियां, जड़ों और अन्य कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित भी करते हैं। दुनिया भर में नमक, समुद्री घास के मैदान, प्रवाल और भित्तिया युगों में कई तरह के पर्यटन स्थल को हमेशा ही इंसान घूमते रहे हैं और इसी को तटीय आवास के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। यानी जो कोस्टल बेल्ट होते हैं वह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी तरह का शोधकर्ताओं ने पाया है कि तटीय आवास कार्बन डाइऑक्साइड के भंडारण यानी स्टोरेज के लिए एक जलाशय के रूप में भी कार्य करते हैं, बदले में वायुमंडलीय प्रदूषण को भी कम करते हैं। हम तो सदा से ही जानते रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे। और अब तटीय आवास यानी कोस्टल हैबिटेट्स को लेकर भी जो भी हमारी धारणा थी वह धीरे धीरे दूर हो रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस रिसर्च पेपर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि एक ग्रीन हाउस गैस सिंक कार्बन के अलग अलग रूपों में संग्रहित करती है, यानी ये सिंक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस का करीब 11% कम कर देते हैं। इनमें से 10% ऑफसेट उन रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं जो जंगलों और मिट्टी के नीचे दबी हुई होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पूरा अध्ययन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया गया है और उन्होंने एक सामूहिक डेटा को प्रकाशित भी किया है जो कि हाल ही में नेचर जर्नल रिव्यू में प्रकाशित हुआ है, यानी पीयर रिव्यूड करके नेचर जर्नल में इसको प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन की माने तो दुनिया भर के करीब 10 से 8 तटीय क्षेत्रों को इस स्टडी में शामिल किया गया है। वहीं 10 वैश्विक क्षेत्रों के करीब 738 साइटों के डेटा को एकत्र करके उनके डेटा को एनालाइज करके 1975 से करीब 2020 के बीच के सारी स्थितियों को स्टडी करके शोधकर्ताओं ने लैगून, ध्रुवीय फ्रजोर्ड्स, नमक के दलदल, तटीय मैनग्रोव्स और पानी के नीचे समुद्री घासों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के इकोसिस्टम को एनालाइज करके इस बात को उजागर किया है कि आवासों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का आकलन भी किया गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मानव गतिविधि के कारण औद्योगिक युग में शुरुआत में ही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वायुमंडल में क्रमशः बढ़ता ही चला जा रहा है और इसको कम करने के लिए वैज्ञानिक नए नए सुझाव भी दे रहे हैं, जैसे कि ग्रीनिफिकेशन यानी बहुत सारे पेड़ों को लगाना। लेकिन यह जो स्टडी हुई है ये अपने आप में एक ब्रेक थ्रू मानी जा रही है, जिसमें कि तटीय क्षेत्रों का स्टडी करके वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि यहाँ कार्बन उत्सर्जन कम होता है लेकिन कार्बन एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, यानी ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा अवशोषित हमारे कोस्टल बेल्ट ही करते हैं और यही हमारे वायुमंडल का बैलेंस बनाए रखते हैं और हमारी धरती को प्रोटेक्ट भी किए रहते हैं क्लाइमेट चेंज से। नमस्कार।